नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आपका स्वागत करती हूं A1 न्यूज में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पटपड़गंज से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गीता सिंह जी। तो स्वागत है आपका गीता सिंह जी। धन्यवाद। मैं गीता सिंह, पटपड़गंज वार्ड नंबर 220 से कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष। धन्यवाद करती हूँ A1 न्यूज का, जिसने मुझे आज यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मौका दिया है। धन्यवाद आपका जी। तो गीता सिंह जी, बताइए कि आपने राजनीति में पहला कदम रखने की कब सोची? अगर आप पहले कदम की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम शुरू से ही, मेरे दादा परदादा सभी कांग्रेसी रहे हैं, मम्मी पापा कांग्रेसी रहे हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं बचपन से ही कांग्रेसी हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब मेरा पहला वोट था तो उस टाइम पर यह था कि घर में मम्मी पापा भाई सभी लोग थे, तो ये हुआ कि वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। तो चूंकि मेरा पहला वोट था और मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपने पापा और मम्मी को बोला कि ठीक है, आप लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करिए, मैं दूसरी पार्टी को वोट करती हूँ, तो जो भी जीतेगा हम लोग शाम को घर में पार्टी पार्टी करेंगे। तो वो वहां पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि नहीं, आपको कांग्रेस को ही वोट करना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो जरूरतमंद की पार्टी है, जो सबको साथ लेकर चलती है, और हम कांग्रेसी हैं। और पार्टी हारे या जीते वो एक अलग चीज है, पार्टी आपकी कंफर्म है, लेकिन आपका वोट कांग्रेस को ही जाना चाहिए। नहीं, लेकिन तो गीता जी की मन में कब आया कि आपको राजनीति में ही जाना? नहीं, राजनीति एक अलग चीज है, मतलब मेरा पहला कदम जो था तो वो वहां से पड़ा, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे शिक्षा दी कि हमें कांग्रेस को ही वोट करना है, और कांग्रेस के बारे में जो मुझे समझाया, तो वो पहला वोट मेरा कांग्रेस का था। उसके बाद से लेकर आज तक मेरे को कांग्रेस को ही मैं वोट कर रही हूँ। और जहां तक बात है राजनीति में आने की, तो मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी से ज्यादा ही प्रभावित हूँ। मेरी माता जी जो है वो समाज से ही रही है, हर किसी के सुख दुख में काम आना, हर किसी के लिए हर समय खड़े रहना, चाहे वो किसी की शादी का हो, चाहे किसी के जरूरत का हो, तो मैं उनसे बहुत ही प्रभावित रही। और उनको देखकर ही मुझे लगा कि शायद मुझे राजनीति में आना चाहिए, और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो गीता सिंह जी, बताइए कि पटपड़गंज से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखती हैं? पटपड़गंज ब्लॉक अध्यक्ष एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, अजय माकन जी को, अपने सभी सीनियर्स को, कि जिन्होंने मेरे काम को देखते हुए, क्योंकि मैं पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी जी, और उसके बाद मुझे महिला कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, और मेरे काम को ही देखते हुए मुझे पहले ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस, और उसके बाद में मुझे जिले की जिम्मेदारी दी गई, और उस काम को देखते हुए, मेरे काम की सराहना को करते हुए, और मुझे आज जो है ये पटपड़गंज ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही जिम्मेदारी भरा और बहुत ही एक सम्मानजनक पद है, और मैं चाहूँगी कि इसको अपनी जिम्मेदारी से आगे लेकर जाऊँ, मेहनत से इसको अपने इसको आगे बढ़ाऊँ जी। तो क्या आप इसमें क्या उपलब्धियाँ रहेंगी अगर आप आगे बढ़ती हैं, तो और आगे आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आप क्या उपलब्धियाँ रहेंगी आपकी? पार्टी टिकट देती है तो पार्टी टिकट देना जो है वो हाईकमान का काम है जी, सभी लोग अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, और हमारे यहाँ टिकट कोई एक आदमी फाइनल नहीं करता, संगठन का काम है ये, हाईकमान का काम है, और जिसको हम लोग उन्हीं पे छोड़ते हैं, जिसको भी टिकट मिलेगी वो उसको हम जिता कर लाएंगे। लेकिन हमारा अपना ये है कि अगर पार्टी मुझ पे मुझे ये जिम्मेदारी देती है तो मैं एक सशक्त दावेदार हूँ, और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से ये सीट कांग्रेस के झोली में लेकर आऊँगी। तो इस काम को आप कैसे आगे और बढ़ाएंगी? कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारी जिम्मेदारी है, संगठन को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और जो मैं महिला कांग्रेस के माध्यम से पहले ही संगठन को मजबूत करती आई हूं, और अब तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है जी, तो मैं और संगठन को मजबूत करूंगी, और अपने पटपड़गंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को एक ऊंचाई पर लेकर जाऊंगी। क्षेत्र के विकास की बात ली जाए तो आप उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगी? क्षेत्र का विकास, और दो चीजें होती हैं, एक होता है क्षेत्र का विकास, एक होता है क्षेत्रवासियों को सुविधाएं मुहैया कराना, और ये दोनों ही चीजें हमारी कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो काउंसलर के रूप में है, जब भी सत्ता में हमारी पार्टी आई है तब उन्होंने इन दोनों ही चीजों का बहुत ही उससे ख्याल रखा है, और जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है जी, और मैं उसी चीज उन्हीं चीजों को आगे लेकर बढ़ूंगी जी। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अहम सवालों के साथ।
बाद स्वागत है आपका। तो गीता जी बताइए कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्षेत्र के लिए आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? पूजा जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनी महिला कांग्रेस की जी, तो उस टाइम पर हमने जो काम शुरू किए, उस टाइम पर हमारे MLA होते थे, उनके साथ मिलकर हमने बहुत ही अपने क्षेत्र में काम किए, जैसे लाइटें लगवाना, सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, और अन्य श्री योजना को लेकर आना, और खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर आना, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो हम जनता के बीच में करते थे जी। लेकिन उन्हीं उसी वक्त में जो मैंने जनता की परेशानी देखी वो ये थी कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे, जो हमारी विधवा हमारी माताएं बहनें होती थी, उनको एक समस्या से दो चार होना पड़ता था, वो थी बैंक अकाउंट की समस्या। वो पेंशन के लिए हमारे पास आती थी कि मैडम मेरी ये पेंशन बनवा दो, और उनकी जो समस्या होती थी कि उनके पास अकाउंट नहीं होता था जिसमें उनकी पेंशन आ सके। तो हम उनके फार्म भरते थे और वो फार्म हम अपने MLA के पास भेज देते थे और वो वहाँ पर जिस तरह भी होता था उनको हेल्प करते थे। लेकिन एक दिन की बात मैं आपको बताऊं कि एक मेरे पास बहुत ही बुजुर्ग महिला जो कि 11 साल हो चुके थे उनको विडो हुए, और उस टाइम पर उनकी उम्र जो थी वो कोई 62-65 के आसपास थी, और उनके पास पेंशन नहीं थी। ओके। वो मेरे पास आई और वो इतना जिस तरह से उनका था कि बेटा मेरी ये पेंशन बनवा दो, तो मैंने उनके पेपर देखे और उनको बोला कि अम्मा इसमें अकाउंट नहीं है, अकाउंट तो आपका खुला नहीं है। तो उन्होंने बेटा की बोला कि बेटा मैं बताओ क्या करूं, मैं अकाउंट खुलवाना चाहती हूं लेकिन मेरी कोई गारंटी देना नहीं चाहता, कोई मुझे विटनेस नहीं मिल रहा जो मेरी जिम्मेदारी ले ले और मेरा बैंक में अकाउंट खुलवा दे, और उसके बाद बेटा इसमें 1000 रुपए जमा करने पड़ते हैं जो मेरा आज की तारीख में एक होता है ना कि सुबेरे के और शाम के खाने की सुध नहीं है, तो बेटा मैं 1000 रुपए यहाँ से कहाँ से लेकर आऊँ। तो वो बातें सुनकर मन इतना गर्वित हुआ, इतना मतलब मुझे जोरा उस बात ने कि जो मेरी बुजुर्ग 11 साल से एक पेंशन उनकी सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि उनका अकाउंट नहीं, अकाउंट नंबर नहीं, नहीं हाँ। है। तो वो चीजें जो थी, और इससे पहले मैं 2-4 हो ही रही थी इन बातों से, तो इन चीजों को लेकर मैं उस टाइम अपने पंजाब नेशनल के बैंक मैनेजर जो हमारे थे मैं उनसे मिली, तो उन्होंने बोला कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, आप हमारे DM साहब से मिले। तो उसके लिए मैं भिकाजी कामा पैलेस गई जो उनका हेड ऑफिस है, और वहां जाकर मैंने उनसे बात की, और ऊपर वाले ने सुना इस चीज को, और उन्होंने मेरे को जो GM साहब थे उन्होंने मेरे को हेल्प की। उस टाइम पर 0 balance की स्कीम जी, वो ये कहे कि हमारी किस्मत से ही उस टाइम लॉन्च हुई या हमारे लिए बनी है, जो भी था वो उस टाइम का आई डोंट नो, बट वो स्कीम उन्होंने हमें दी, जिसका मैंने 15 दिन तक अपने पट्टड़गंज में धर्मशाला में कैंप लगाया और पूरे जितना भी क्षेत्र था वहां उसका प्रचार किया। और आप मानेंगे कि ये काम मैंने सिर्फ एक महिलाओं के लिए शुरू किया था उस टाइम पर, क्योंकि मैं महिला की अध्यक्ष थी और मुझे लगा कि जो भी जरूरत मेरे बहने हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो आए और उसका फायदा लें। लेकिन जब वो प्रोग्राम हमने शुरू किया तो उसमें फिर बुजुर्ग भी आए, युवा भी आए और बच्चे भी आए, तो वो एक ऐसा वक्त बन गया कि जिसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर सकती थी कि नहीं 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 हम आपका नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और वो आप मानिए कि 5000 बैंक अकाउंट 0 balance में, जिसकी की विटनेस मैंने दे रखी है, और कोई पैसा नहीं उसमें हम लोगों ने लिया, और हमने वो खाते खुलवाए और उस वो पासबुक जो थी वो हमने जनता को दी, और वो जो जनता को हमने दी तो उसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें उस टाइम पे JP अग्रवाल जी हमारे अध्यक्ष होते थे दिल्ली प्रदेश के, वो आए थे, संदीप दीक्षित जी हमारे MP होते थे वो आए थे, और अमरीश गौतम जी, अनिल चौधरी जी और जितने भी थे, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा सा कि बहुत मतलब एक मुझे ये दिया कि एक बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, और वो हमने लोगों को पासबुक वितरित की जिसमें कि आज उन लोगों को पेंशन भी आ रही है, अपने वो 2 पैसे जमा भी कर सकते हैं, एक ये हमने उस टाइम पर काम किया था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे काम, जैसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन का है, अपनी बच्चियों को जागरूक करने का है, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का है, महिलाओं को जागरूक करने का है, महिलाओं की कोई भी घर से संबंधित कोई समस्या होती है तो उनको हम ये नहीं कहते कि आप थाने में जाओ या कोर्ट में जाओ, हमारी कोशिश होती है कि उसको घर में ही बैठकर उसको समझाया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। थाना कोर्ट कचहरी तो बाकी चीजें होती है, बट उसको हमने जो है वहीं पर अपने लेवल पर ही उसको किया है, और यही हमारी उपलब्धियां रही हैं, और इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इनको आगे भी। जनधन योजना तो अभी शुरू हुई है जबकि ये काम तो मैं 2008 में लोगों का ऑलरेडी करवा चुकी जी। तो गीता जी ये बताइए कि जैसे आप एक महिला हैं, आपको पता है महिला होने के नाते कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपने कभी इसमें देखा कि राजनीति में आपको कभी कोई सामना करना पड़ा हो किसी दिक्कत का? कोई भी क्षेत्र होता है इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं होती ही हैं,
लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ी हुई हूँ और कांग्रेस परिवार में मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है और सभी लोगों ने मुझे बहुत ही सहयोग दिया है और उस सहयोग का ही नतीजा है कि आज मैं ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया जी। तो बताइए कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं एमसीडी के, उसमें आपकी सीधी टक्कर किससे रहेगी, बीजेपी से या आप आम आदमी पार्टी को मानते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि सीधी टक्कर किससे होगी। अब टक्कर जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। अब आप मुझे बताएं कि आपसे मैं पूछती हूँ कि आप बीजेपी को कांग्रेस की टक्कर में मानती हैं या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की टक्कर में मानती हैं? अगर मुझसे ये सवाल है तो मैं बताती हूँ कि बीजेपी अपने आप को ये साबित कर चुकी है कि वो जुमला पार्टी है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे उस टाइम चुनाव में किए और उनके किसी छोटे नेता ने नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए उसमें एक उनका वादा था कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, है ना। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 15,000 भी नहीं आए। और उसके बाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बोल दिया कि ये तो जुमला था, राजनीतिक जुमला था। तो मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कोई भी मुहावरा बोल सकते हैं, आप कोई भी जुमला बोल सकते हैं, वोट पाने के लिए आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जुमला बोलकर कि 15 लाख आएंगे, अरे 15 लाख नहीं, 1500 तो दीजिए जी। आप वो भी सिर्फ जुमला कहकर आप एक तरफ हो जाते हैं, जो वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे नहीं किए। आप अपने बजट लेकर आते हैं वो आप विरोधी लेकर आते हैं, आप किसान विरोधी होते हैं, आप जनता के विरोधी होते हैं, आप ईपीएफ पे टैक्स लगा देते हैं, आप गोल्ड पर टैक्स लगा देते हैं, ये कहाँ की बात हुई। और उसको उसके बाद आपको वो वापस लेना पड़ता है कांग्रेस के, आप जब कांग्रेस आपके विरोध में उतरती है तब वही चीज आपको वापस लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप उसको पहले लागू कर देते हैं? आप लागू इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो आप देश में बैठकर नीतियां नहीं बनाते हैं, आप विदेश में रहकर नीति बनाते हैं। जब आप विदेश में बनाते हैं तो आपको देश के लोगों का कोई वो नहीं होता, आपके जो वित्त मंत्री जी हैं आपको जो भी लिखकर दे देते हैं, एसी रूम में बैठते हैं और अपने बना देते हैं कि हाँ जी हाँ ये गरीब जनता इतना पैसा जमा करा रही है तो लगा दो उसके ऊपर टैक्स जी। ये सराफा मार्केट में इनको अगर 2 पैसे का फायदा हो रहा है लगा दो इन पर टैक्स, गरीब आदमी अपना 2 पैसा जोड़ रहा है लगा दो इन पर टैक्स, वो सिर्फ इस काम को कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा बीजेपी का, मतलब कथनी और करनी कहीं से कहीं तक उनकी एक नहीं है। जो वादे करते हैं वो सब धरे रह जाते हैं, सिर्फ राजनीति के तौर पर उन्होंने जो वादे किए वो जनता आज देख रही है कि उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया और आने वाले इलेक्शन में फिर वो इसी तरह के वादे करेंगे। तो अब ये जनता को सोचना है कि वो वादों को उनको माने या उनको नकारे। और अब आते हैं हम आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की जो नींव है वही मैं समझती हूँ झूठ के पुलिंदे पैर है। उन्होंने उस टाइम पर जो वादे किए उसमें मैं अगर एक जिक्र करना चाहूं निर्भया कांड का जी, उस टाइम पर वो एक ऐसा कांड था जिसके लिए पूरी दुनिया हिल गई, पूरे देश, पूरा देश हिल गया था। और उसका इन्होंने फायदा उठाया, कैंडल मार्च निकाले जी और दुनिया भर में इस तरह का प्रचार कर दिया कि ये तो जो करवा रही है वो कांग्रेस पार्टी करवा रही है। मैं आज इनसे जानना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, ये मुझे बताएं इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया। आज 2.5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, 4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। हम सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं। दूध पीती बच्ची का अगर रेप हो जाता है तो आप मुझे बताएं केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। उस टाइम पर केजरीवाल जी बोलते थे कि दिल्ली की सीएम इतनी लाचार नहीं हो सकती, दिल्ली की सीएम ये कह देती है कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में। आज मैं जानना चाहती हूँ, हम जानना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि अब तो सब चीज आपके हाथ में है, अब आप क्यों नहीं करते। आप सिर्फ अपनी नाकामियों को ये कहकर नहीं टाल सकते कि केंद्र मेरे पास नहीं है, केंद्र हमें सपोर्ट नहीं करता। आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एलजी हमें सपोर्ट नहीं करते। आप ये कहकर पल्ला झाड़ नहीं सकते कि कमिश्नर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको पहले भी पता था जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है और केंद्र शासित राज्य में सीएम की कुछ जो पावर होती है कुछ बंदिशों में होती है, कुछ उससे चलती हैं। तो जब आपको ये चीजें पहले पता थी तो आपने शीला जी को इतना विरोध क्यों किया, आपने शीला जी को क्यों बदनाम किया? शीला जी को हमें गर्व है कि वो हमारी सीएम रही, 15 साल कांग्रेस दिल्ली में रही, तो वो सिर्फ इसी वजह से रही कि दिल्ली में काम हुए। अगर दिल्ली में काम नहीं होते तो 5 साल बाद ही सरकार को नकार दिया जाता, 10 साल मिले, 10 साल बाद भी फिर कांग्रेस पार्टी इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किए। लेकिन सिर्फ इन जैसे ही झूठे लोगों ने एक प्रचार करके सीएम का विरोध
सब चीजों का विरोध करके, सिर्फ जनता को गुमराह करके और ये सत्ता में आए, और आज सत्ता में आने के बाद इनको उन जिम्मेदारियों का जो इन्होंने ली थी उनका जवाब देना चाहिए। ये बच नहीं सकते ये कहकर कि केंद्र हमें काम नहीं कर रही दे रही, ये कहकर नहीं बच सकते कि एलजी हमें काम नहीं। अपनी सैलरी के नाम पर तो उनको सब चीजें हो जाती हैं, अपनी सैलरी के नाम पे तो उनको जनता से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी सैलरी के नाम पर इनको किसी के एलजी की जरूरत नहीं पड़ती, सैलरियां बढ़ा दी सिर्फ किस वजह से कि कोई हमें छोड़कर ना जाए। आज इन्होंने इतने सारे सचिव बना रखे हैं, आज इतनी मोटी मोटी सैलरियां कर रखी हैं, क्या ये काम कांग्रेस के टाइम में नहीं होते थे? उस सैलरी में वो कांग्रेसी काम नहीं करते थे? करते थे ना, लेकिन आज ऐसा क्यों कि इतनी मोटी सैलरी देने की जरूरत पड़ रही है? ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? सिर्फ ये अपना प्रचार कर रहे हैं। 526 हमारी जो कमी रही, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कमी रही वो सिर्फ ये रही कि काम बहुत किया लेकिन प्रचार नहीं किया। सिर्फ वो 26 करोड़ रुपए हम लेकर चलते थे प्रचार के लिए, जो कि उस टाइम हमें लगता था कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता देख रही है, क्या जरूरत है इसको खर्च करने की। लेकिन आज हमारे सीएम साहब केजरीवाल जी क्या करते हैं, काम कुछ नहीं करते, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, और 526 करोड़ रुपए जो वो अपने प्रचार के लिए रखते हैं, अगर वही 500 करोड़ रुपए वो गरीब जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, अगर उनको दे देते तो क्या क्षेत्र का भला नहीं होता? जिन लोगों ने वोट दिए, जिन लोगों के झाड़ू इन्होंने हत्याई, जिन लोगों के झाड़ू को इन्होंने सिंबल बनाया अपना, आज वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, वही दलित हमारे वर्ग जो है सबसे ज्यादा परेशान है, उसी को आज इतने महीने से सैलरी नहीं मिल रही। आप हॉस्पिटल की बात ले लें, वहां सैलरी नहीं है, आप सफाई कर्मचारी की बात ले लें, वहां सैलरी नहीं है। आप अभी तो इन्होंने पीछे देखा था कि वो बस में जो इन्होंने ये तैनात किए थे, तो इन्होंने गार्ड्स तैनात किए थे, ये उसकी भी सैलरी नहीं दे रहे, 3 महीने से उनको भी सैलरी नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अगर इस तरह से देखा जाए तो कोई भी टक्कर में नहीं है, लेकिन हम इसलिए टक्कर में मानते हैं कि हमें इन दोनों का ही पर्दाफाश करना है। हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है जनता को आज जागरूक करना। जनता को, वैसे जनता समझदार है जी, वो देख रही है कि उसके वोट को दोनों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, उसके वोट का जो उनको हक मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए, लेकिन हमारे क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके जो झूठे वादे हैं, जो झूठ का पुलिंदा है, उसको जनता तक लेकर जाएं, उसका प्रचार करें, और हम कांग्रेसी जिसकी कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क नहीं है, जो अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर कोई खर्च नहीं करती है, जो प्रचार का माध्यम सिर्फ अपने काम को समझती है कि हमारा काम ही हमारा प्रचार है, हमारा काम ही जनता देख रही है, हम उसी को लेकर आगे चलेंगे, अपना प्रचार करेंगे, इन लोगों का पर्दाफाश करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए जी वोट मांगेंगे। बताइए कि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में, जैसे आपको पता है कि एमसीडी इलेक्शन अब हाल फिलहाल में आने ही वाले हैं, तो उसमें आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का एक ही है, विकास। विकास, और ये पिछले 15 सालों से या जब से भी कहें हमारा एक ही मुद्दा रहा है विकास, और विकास। वो हमने साबित किया है जी। दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता और ये बाहर की जनता भी इस चीज को समझती है कि दिल्ली में बहुत विकास हुआ है। तो हमारा पहला और आखिरी है कि विकास हम लेकर चलेंगे। विकास का मतलब होता है क्षेत्र का विकास जी, और क्षेत्रवासियों को सुविधा। तो अगर हम क्षेत्रवासियों को सुविधा देते हैं तो क्षेत्र का विकास तो अपने आप ही होता है। तो क्षेत्रवासियों को सुविधा और क्षेत्र का विकास, ये हमारा एजेंडा रहेगा। तो जैसा कि आप, मतलब यही है आपका एजेंडा, यही है कि विकास ही करना है आपने, और कोई मुद्दा आप नहीं? और मुद्दे हैं विकास के साथ, और बहुत सारी चीजें होती हैं, जरूरत से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमारा ये रहा है। शीला दीक्षित जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मेरी दिल्ली मैं ही सवार हूं। जी, आप अच्छे से जानते हैं कि आज से 15 साल पहले दिल्ली के क्या हालात थे और आज दिल्ली किस ऊंचाइयों पर पहुंची है। तो वो सिर्फ शीला दीक्षित जी की ही देन है कि मेरी दिल्ली मैं ही सवार हूं, और उन मैं ही सवारों में जो जो उनको परेशानियां आती गई वो उनको खत्म करती रही और दिल्ली को एक नए मुकाम पर पहुंचाती गई। देश की बात करूं तो जिस टाइम देश आजाद हुआ था, जिस टाइम अंग्रेज यहां से गए थे, क्या छोड़कर गए थे? भुखमरी छोड़कर गए थे। आज सुई से लेकर और मंगलयान तक का सफर अगर किसी ने तय किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। वो कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे लेकर गई है। आपको क्या लगता है कि कटरा तक की जो ट्रेन चली है वो मोदी जी ने एक दिन में आकर उसका उद्घाटन कर दिया? उसके लिए बरसों का काम है। आपको क्या लगता है कि कोई चीज मंगलयान अगर ऊपर गया है तो वो मोदी जी ने आकर 4 दिन के अंदर उसको
हवा हवाई कर दिया, वो कांग्रेस की मेहनत है कि वो उसको वहां तक लेकर गई है। आपको क्या लगता है कि मेट्रो दो दिन के अंदर बीजेपी ने आते ही चला दी, या केजरीवाल जी ने आते ही फटाफट से जितने उद्घाटन किए हैं वो उन्होंने आते ही कर दिया? पचपड़गंज का बारात घर का जिक्र करना चाहूंगी। पचपड़गंज के क्षेत्रवासी, ये हमारा जो कैंप एरिया लगता है, पटपड़गंज का एरिया लगता है, उसमें हमारा एक ही बारात घर था और वो एक ही फ्लोर था और वो भी थोड़ा सा जर्जर हालत में आ गया था। तो सबकी एक ये था कि इसको अच्छे से बनाया जाए, इसको तैयार किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। उसके लिए उस टाइम हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल चौधरी जी ने बहुत ही प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, और उसके बाद उन्होंने उसको उसकी नींव रखी और उसको तैयार किया। और तैयार होने के बाद में बड़ी शर्म की बात है कि जब यहाँ पर ओपनिंग होती है तो उनको नहीं बुलाया जाता है, उनके नाम का पत्थर नहीं लगता है। तो मैं जानना चाहूंगी यहाँ के विधायक जी से, क्या उन्होंने आते ही वो चार दिन के अंदर बना दिया था जिसकी उन्होंने ओपनिंग की? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वहां पर एक पत्थर पर शुरुआत शुभारंभ अनिल चौधरी जी लिखवाया जाता? जी बिल्कुल, आपने उसको किया, आपने उसका ये किया, वो समझ में आता है, बट क्या एक लाइन कि शुभारंभ अनिल चौधरी जी, पूर्व विधायक अनिल चौधरी, ये नहीं लिखा जाना चाहिए था? तो इसी तरह से जितने भी दिल्ली में आज ये उद्घाटन कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की शुरुआत है, इनकी अपनी नई शुरुआत अभी 13 महीने के अंदर तो कुछ भी नहीं है। जी जी, तो वार्ड नंबर 220 से जैसे अपोजिट पार्टी के तौर पर वर्तमान निगम पार्षद जो हैं, उनके कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? उनके कामकाज की जहां तक है बात, तो जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है वो उन्होंने किए हैं, और जब हमें इस चीज का मौका मिलेगा तो मैं समझती हूँ कि हम इससे कहीं आगे उनको उनका तो आपको आपको लगता है कि उन्होंने काम किए हैं? अपने अपने क्षेत्र में हर कोई काम कर रहा है, बाकी जिस जनता ने वोट दिया है जनता फैसला करेगी। कोई कमी आपको लगी हो कि हाँ यहाँ पे कमी थी इस जगह, मैंने देखा है? कमी की तो बात यह है कि सफाई कर्मचारियों को वेतन ना मिलना, जी ये अपने आप में एक कमी है। जी हाँ जी, अपने क्षेत्र का पार्षद जो है वो जिस तरह भी वो उसको करता, मैनेज करता, तो वो कर सकते थे। और सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिलना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पटपड़गंज में एक पार्किंग की समस्या बड़ी जबरदस्त है, बिल्कुल, जो कि हम ये समझते थे कि पार्किंग अगर हमें मिलती है कहीं पर भी, और जगह जगह अगर छोटी छोटी पार्किंग भी बनती है तो बहुत बड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है। पूरी जो रोड है हमारा वो बिल्कुल जाम रहता है यहाँ से वहां तक का, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई है, और पार्टी अगर हमें मौका देगी, हम लोग आएंगे तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे, विकास करेंगे। एक बार फिर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Stardust Awards 2015 was indeed a star-studded night. Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor, Sonam Kapoor, Varun Dhawan, Alia Bhatt and many more stars added the spark to the show. But the highlight of all was when the Sultan star Salman Khan actually fell off his chair. Swagat hai aapka break ke baad. Aur parking ke saath saath hamare kshetra mein jo hamara स्लम एरिया है जी, और वैसे भी जो भी हमारे बुजुर्ग पेंशन, विडो पेंशन, विकलांग पेंशन जो हमारी बनी हुई थी, वो आज पिछले 2.25 साल से एमसीडी से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जनता बहुत ही परेशान है। तो मतलब ये अब 2.25 साल तक तो जनता को पेंशन दी नहीं गई, और उसके बाद आज ये कहा जाता है कि माली हालत सही नहीं है या एमसीडी के पास फंड नहीं है। क्या लगता है क्या रीज़न है इसका, क्यों ऐसे जवाब दिए जाते हैं जब जनता सवाल पूछती है तो? ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों के बीच में जनता किस कर रही है जी। जो चीजें अब आप ये समझिए, 15 साल कांग्रेस रही है तो 10 साल एमसीडी में बीजेपी रही है, निगम पार्षद बीजेपी के रहे हैं हमारे, लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस के टाइम पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की पेंशन रुकी हो। हमेशा टाइम से, चाहे वो एमसीडी की पेंशन हो, चाहे दिल्ली सरकार की पेंशन हो, वो लोगों को टाइम से मिल रही थी, सैलरी सबको टाइम से मिल रही थी, और सब चीजें बड़े ही सुचारू रूप से चल रही थी। आज अपने को ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों पार्टी के आने के बाद से ऐसा क्या हो गया कि जनता ही त्राही त्राही कर रही है, जनता को ही सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ जनता को जो 1,500 रुपए पेंशन थी वो नहीं मिल रही है, एक तरफ सफाई कर्मचारियों को, शिक्षकों को, और हमारे हॉस्पिटल में जो काम करने वाले नर्स और डॉक्टर्स हैं,
उनको सैलरी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी अपनी सैलरी बढ़ा रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसे कौन से फार्मूले पे वो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं बट जनता को नहीं दे सकते? उनके पास कहाँ से फंड आया? क्या वो कमा कर लेकर आए थे? क्या उसके लिए अलग से कोई खजाना है? वो उस खजाने से अपने एमएलओ को तो सैलरी दे रहे हैं लेकिन वही गरीब जनता को वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ठीकरा, क्योंकि उनको केंद्र में भी जाना है। हमारे जो आम आदमी पार्टी है उसको केंद्र भी चाहिए कि प्रधानमंत्री बनना है, उनको एलजी भी अपना ही चाहिए कि हमें एलजी बनना है, उनको वो पुलिस को भी जो है कि हमारी सुनती नहीं है, हमें कमिश्नर बनना है। तो कुल मिलाकर वो जनता को अब फिर गुमराह कर रहे हैं कि सारी चीजें हमें दे दो तब हम आपको देंगे। यही एक वजह है कि जनता को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया है कि जब जनता परेशान होगी तो जनता ये सोचेगी कि चलो हम इनको ही सारी चीजें दे देते हैं तब हमें सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जनता को सोचना है कि ये गलत है, अगर ये अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं तो ये आप लोगों की पेंशन भी दे सकते हैं, और पहले इनको पेंशन देनी चाहिए, अपनी सैलरी के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तो इनको बहानेबाजी छोड़कर अब जनता को, जनता के जो हक है, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए जी। ना एमसीडी को बहाना बनाना चाहिए, ना दिल्ली सरकार को बहाना बनाना चाहिए, और ना ही केंद्र सरकार को बहाना बनाना चाहिए। अब बहाने से और जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वाह करें, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें, क्योंकि जनता ने ही आपको वोट दिया था। और आप ये समझिए कि ये जनता बड़ी समझदार है, इस बार आपको वापस जमीन पर ले जाएगी। जी जी। तो गीता जी ये बताइए कि जैसे पहले दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और बीजेपी, इस बार से एमसीडी इलेक्शन में तीसरी पार्टी भी आ रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है इस बार ये कैसे टक्कर रहेगी? ये जैसे मैं भी बार बार कह रही हूँ कि जनता समझदार हो चुकी है। जनता की कुछ उपेक्षाएं थी, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जो चीजें जनता को उपलब्ध हो रही थी जी, वो तो जनता ये समझ के चल रही थी कि ये तो हमें कोई भी आएगा तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। और जैसे इन्होंने भरमाया, शीला जी का दुष्प्रचार किया इन्होंने कि वो उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया, और वो इतनी लाचार मुख्यमंत्री हैं कि वो कहती हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। इस तरह का जो उन्होंने किया वो जनता को, जिस तरह से इन्होंने पानी बिजली हाफ और पानी माफ का दिया है ना, अगर वो देखा जाए, जनता आज देखे। मैं इनसे भी, मैं ये आम आदमी पार्टी से भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करती हूँ कि आपने बिजली हाफ और पानी माफ का जो दिया था उसमें आज दिल्ली की कितने परसेंट जनता को इसका बेनिफिट मिला, कितने परसेंट जनता को? क्योंकि उसके अंदर इनकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मीटर लगे होने चाहिए। मीटर कितने को लगे हुए हैं, पानी के मीटर कितने परसेंट लोगों ने लगवा रखे हैं कि उन्हीं को वो फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिल रही है। बिजली की ये बात करते हैं, बिजली हाफ 100 या 200 यूनिट का जो भी इन्होंने फंडा रखा हुआ है उतनी तो एक बल्ब जला, नाइट बल्ब जलाने में आ जाता है, तो वो भी वहीं रह जाता है। सिर्फ इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जो जनता को दिखाया था, जनता उसमें गुमराह हो गई थी और अब जनता समझदार हो गई है, अब वो इनकी बातों में आने वाली नहीं है जी। तो गीता जी ये बताइए कि ईपीएफ टैक्स लेने के लिए, वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है? देखिए बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जी कि मोदी जी बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी के लिए बोलते थे कि वो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन हम बोलते नहीं है, हम करते हैं। हम कांग्रेसियों का नीचे से लेकर और ऊपर तक ये है कि हम बोलते नहीं हैं, हम काम करते हैं, काम ही हमारी पहचान है। लेकिन यहाँ पर 15 साल लोगों ने उस काम को देखा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों को लगा कि शायद बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। और मतलब इसलिए हास्यास्पद बोल रही हूँ कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में कभी भी और दिल्ली के 15 साल के शासन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज जनता के लिए आई हो वो कभी किसी दबाव में वापस लेनी पड़ी हो। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि बीजेपी के शासनकाल में 2 बिल आए, एक किसान विरोधी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, जो इन्होंने दिया उसमें वो टोटल ही किसानों के विरोध में था, विरोधी उनका कांग्रेस, किसान विरोधी बिल वो आया। और जब कांग्रेस ने उसका, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सभी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जब वो सड़क पर उतरे और जब उसका विरोध किया तब इन्होंने उसको वापस लिया। आखिर ये ऐसा बिल लेकर ही क्यों आए थे जो इनको वापस लेना पड़ा? क्यों नहीं इन्होंने उसको पहले चेक किया कि हम जो बिल दे रहे हैं वो विरोधी है? लेकिन अगर वही, अगर हम विरोध नहीं करते तो वो इनका चल गया होता, और वो अगर वो पास हो गया होता तो सोचिए आज किसानों की हालत क्या होती, जो हमारे देश का भाग्य विधाता है आज उसकी हालत क्या हुई होती। इसी तरह से अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया
ईपीएफ का आप मुझे बताइए, एक कर्मचारी एक कार्य काम करने वाला इंसान जिसकी भविष्य निधि जो होती है वो आखिरी पूंजी होती है, उसके ऊपर इनकी निगाह पड़ी और इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दी, जितने ही शर्म की बात है कि ये उसके ऊपर जो भविष्य निधि है जिससे वो अपना मकान बनाने का सोचता है, अपने बच्चों की शादी का सोचता है, अपना भविष्य सिक्योर करता है, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। और वो जब इन्होंने टैक्स लगाया उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, अजय माकन जी के नेतृत्व में एक पूरी दिल्ली की तरफ से एक जब इतना जबरदस्त इनका विरोध हुआ तो आखिर इनको वो वापस लेना पड़ा। तो क्यों नहीं मोदी जी और क्यों नहीं जेटली जी इन चीजों को पहले देख लेते, क्यों नहीं टेबल पे उस पर चर्चा करते कि ये चीज गलत है, क्यों ऐसे वक्त आता है कि इनको कर और वापस लेना पड़ता है। वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी देश में होंगे तो देश की जरूरतों को समझेंगे, और वित्त मंत्री जी अगर एसी रूम से बाहर निकल कर जाएंगे तब वो एक जरूरतमंद की, तब वो एक मजदूर की, तब वो किसी भविष्य निधि की परेशानियों को समझ पाएंगे। बड़ी हुई कांग्रेस, बड़ी हुई जो 1% एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? ये भी भूमि अधिग्रहण बिल जी और ईपीएफ जी उसी का एक हिस्सा है कि इन्होंने बिना सोचे समझे 1% ड्यूटी ज्वेलर्स के ऊपर, सराफा बाजार के ऊपर लगा दी है, और उसके लिए आज इतने टाइम से विरोध हो रहा है और कोई उनके सुध लेने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब ज्वेलर्स के साथ सड़कों पर उतर आई है और हम दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सभी ज्वेलर्स के जो एसोसिएशन है उनको सहयोग करेंगे और इनसे इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। आज शादियों का माहौल है, सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इनको इन्होंने हड़ताल को बढ़ाने का आगे दे दिया है, तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए जी, ये इनको सोचना चाहिए कि ये इस तरह से किसी भी चीज को जनता के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। इनको अगर जिताकर भेजा गया है तो ये इसलिए नहीं भेजा गया है कि आप बैठे बनाए और जनता के ऊपर इसको लागू कर दें, जनता को उसको मानना ही पड़ेगा। आप क्यों नहीं अच्छे कोई भी बिल लेकर आ पाते, क्यों आपको ऐसे बिल लेने पड़ते हैं जो वापस करने पड़ते हैं? तो इस एवन न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं आज दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी, ये अपील करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ कि वो एक बार जनता के बीच में आए, जनता की जरूरतों को समझें और जनता के हित में जो समाधान हो सकते हैं, जो लाया जा सकता है, योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लाई जा सकती हैं, वो लेकर आए, कुछ सीखे कांग्रेस पार्टी से जी। जो लड़कियों के लिए एक लाडली योजना लेकर आई थी जी। कहां लेकर आए अभी तक ये दोनों? ये बच्चियों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, आज तक इन्होंने कोई भी अगर हमारी बच्चियों के लिए कोई योजना लाई हो तो दोनों ही सरकार हमें बताए। ये निर्भया कांड में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये वुमेन महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया दोनों ही पार्टियों ने वो बताए। इन्होंने कहा कि हम हर सेक्टर में हम मतलब जरूरत है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, हम करेंगे। ये मुझे बताएं इन्होंने हेल्थ सेक्टर में क्या किया, ये बताएं इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में क्या किया। इन्होंने किसी भी सेक्टर में कोई काम नहीं किया, ये आए जमीन पर आए, जनता को समझे, अपनी जिम्मेदारियों से बचना छोड़ दें, एक दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ दें, बीजेपी आम आदमी पर और आम आदमी बीजेपी दोषारोपण करना छोड़कर, और जनता की जरूरतों को समझे, उनके बीच में आकर काम करें। पड़पड़गंज से जैसे देखा जाए कि पड़पड़गंज से कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी है, उनकी अगुवाई में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्मण रावत जी, आप ये समझिए कि दिल्ली में 14 जिले हैं जी, जिसमें 4 जिला अध्यक्ष को दोबारा जिम्मेदारी दी गई जी, जिसमें हमारे बड़े भाई लक्ष्मण रावत जी भी एक हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उनका 5 साल का पिछला कार्यकाल था उन्होंने संगठन को मजबूती दी और उसी बिहार पर वो दोबारा जिलाध्यक्ष बने हैं, और उनके नेतृत्व में हम पूरा जिला बहुत ही अपने आप को मजबूत महसूस करता है। उनके नेतृत्व में आपने देखा भी होगा बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं जो पूरी दिल्ली में मैं समझती हूँ सबसे बेहतर हुई हैं, और आगे भी उनके नेतृत्व में हम लोग संगठन को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं और आगे करेंगे जी, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं ये हम जीत कर आएंगे। कार्यक्रम में बस इतना ही, देखते रहिए एवन न्यूज। आ गया एवन न्यूज ऑनलाइन।